हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी का ढेर सारा शुभकामनाएं आप सभी को। और कौन कौन जन्माष्टमी का व्रत रखा है जरूर कमेंट करके बताइए। हालांकि हमेशा मैं भी रखती थी, लेकिन इस बार नहीं रखा था मैं व्रत। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसके वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई हूँ फ्रेंड। वैसे मैं शुरू से ही रखती थी जन्माष्टमी का व्रत, लेकिन क्या करूँ। तो आप सब ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं फ्रेंड, आज हमारे घर में बनेगा जन्माष्टमी के दिन क्या बनेगा? केरमुआ का साग और चावल रोटी। क्योंकि आज है जन्माष्टमी तो अच्छा चीज बनना चाहिए, लेकिन फ्रेंड ये कई दिनों का लाया हो गया, दो दिन का लाया हो गया। मतलब परसों शाम को हस्बैंड जी लाए हैं और कल मुझे बनाना था, तो क्या हुआ कि मैं भूल गई। फिर मैंने खड़ा उड़द भी गा दिया था और कल बना लिया था दाल मखनी, तो वो रह गया। तो इसलिए मैं आज उसको बना रही हूँ, क्योंकि उसको बनाना आज ज़रूरी है, क्योंकि वो पीला पड़ जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सब बने रहिए। तो फ्रेंड पालता खींच दिया है, चलते हैं बनाते हैं। बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो गया है जो तड़का मारा था सब्जी में, यानी कि साग में तड़का जो लगाया था, इसलिए धुआं धुआं हो गया। चावल को भी ढक देते हैं, इसको भी पकने देते हैं, और इधर हमारा साग जब पक जाएगा तब इसमें हम नमक डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा चावल जो है बहुत अच्छे से पक रहा है। अभी इसमें थोड़ा पानी है और मैं चला के ढक देती हूँ और गैस को धीमा कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारा साग भी कम हो गया है, देखिए साग में कितना पानी सारा छोड़ा है, इसको भी मैं डुला देती हूँ। अब यहीं पे हम डाल देंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, एक चम्मच डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा साग और भी कम होगा, और नमक को अच्छे से मिला देंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि ये साग है केरमुआ का,
तो अब इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। यहाँ पे चावल पक रहा, साग भी पक रहा। तो उधर फ्रेंड मेरा चावल पक रहा, साग पक रहा है। तो ये हमारा बेड जो है ना किचन में ही है, मतलब उसी कमरे में किचन है, उसी कमरे में बेड है, तो इसलिए मैं लेती हूँ, वरना वहीं पे खड़ी रहती। मैं कहा वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं धुआं सा हो गया, तो थोड़ा यहीं पे बैठ जाती हूँ। और देखिए इधर मैंने देखा था कपड़े पड़े हैं, इसको भी रखना, ये गिरा पड़ा है। तो यहाँ फ्रेंड हमारा साग भी पक गया है और चावल भी देखिए कितना बढ़िया खिला खिला पका है, क्योंकि चावल अच्छे से हमारा पक चुका है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। और साग भी हमारा पक गया है फ्रेंड। और हाँ, आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सब बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते और हमारी वीडियो में कहाँ गलती रहती है ये भी मेरे को बताया करो, ताकि मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि अच्छा ब्लॉग बनाएं। तो यहाँ पर मेरा साग पक चुका है, गैस को कर देते हैं ओ फ्रेंड, और अब मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक का बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।